तो ये हमारा बैंगन की भुर्जी बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बैंगन भुर्जी बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज़ का बैंगन लिया है, उसे दो भागों में काट के देख लेंगे कीड़े उड़े तो नहीं है। और इस प्रकार के कद्दूकस मशीन से आप कद्दूकस कर लेंगे। तो हमने सारे बैंगन को इस प्रकार से कद्दूकस कर लिया है। तो आप इसे काट के बैंगन को देख लेंगे कीड़े उड़े तो नहीं है। तो हमने सारे बैंगन को इस प्रकार से काट लिया है। काटने के बाद बैंगन काले हो जाते हैं तो आप घबराएं ना। और हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, दो से तीन हरी मिर्च। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें आधी चम्मच के आसपास जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम हरी मिर्च डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काटा था। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें और इन सारे को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम यहाँ पे अदरक ऐड करेंगे। अदरक का हमने जो पेस्ट तैयार किया था लगभग आधी इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा है, उसे डाल के हम इसे भून लेंगे। तो ये हमारा अदरक भुन गया है। तो अब हम यहाँ पे हमने जो बैंगन को कद्दूकस किया था उसे हम इसमें डालेंगे। तो इसमें थोड़ी सी पानी रहती है तो हम इसे थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करके इसका पानी हम सुखा लेंगे और उसके बाद कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पानी बिल्कुल सूख चुका है इसका। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल फ्राई भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेंगे। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, एक से दो बार कवर करके पहले शुरू में कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है, मसाला, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला। इन चारों मसालों को हम आधी चम्मच से भी कम, बिल्कुल थोड़ी सी मसाला का हमने प्रयोग किया यहाँ पे, ज़्यादा मसाला इसमें भी नहीं डालेंगे हम। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे थोड़ी सी धनिया ऐड कर लेंगे, हरी धनिया। तो ये देखिए कितनी अच्छी से तरीके से हमारा ये बैंगन की भुर्जी बन के तैयार हुआ है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा बैंगन का भुर्जी बन के तैयार है। तो आप भी इस प्रकार की नई रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।